हेलो एवरीवन, तो वापस से सबका वेलकम है आज की क्लास में। तो लास्ट टाइम हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप वन एलिमेंट्स जो हैं उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, राइट। तो आज की क्लास में वापस से हम ग्रुप वन एलिमेंट्स की ही बात करने वाले हैं, सॉरी एस ब्लॉक की ही बात करने वाले हैं, लेकिन एस ब्लॉक के भी अंदर ग्रुप टू की बात करने वाले, राइट। तो आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप टू एलिमेंट्स की। ग्रुप टू एलिमेंट्स को हम जनरली क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हम इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो ज्यादा कुछ खास है नहीं, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट है, तो उनको एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, राइट। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो वेल एंड गुड। एंड प्लीज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो। आई एम श्योर कि आपको पक्का अच्छी लगेगी, ठीक। ओके, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो मेटल्स के पास वैसे अपनी प्रॉपर्टी तो होती है कि भाई वो लस्टरस होते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे जब बात कर ही रहे हैं तो हम वापस से सबसे पहले चीज ये बोलते हैं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कि इनके पास अपना मेटालिक लस्टर होता है। ये देखने में कैसे होते हैं? तो सिल्वरी व्हाइट होते हैं। और कोई एलिमेंट किसी ने देखा हो या ना देखा हो, बट मेरे अकॉर्डिंग मैग्नीशियम तो सबने अपने स्कूल में लाइफ में देखा होगा। मैग्नीशियम के रिबन सिल्वरी व्हाइट कलर की होती है हमारे पास, एंड ये जनरली हमारे पास थोड़े से क्या बोलते हैं अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में, कि अल्कली मेटल्स हमारे पास बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे, तो उनके कंपैरिजन के अंदर रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर होते हैं। क्लियर? किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? ये अल्कली मेटल से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। देन इनके अंदर जनरली हम जो देखेंगे वो हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की। तो जैसे कि मैंने भी बताया था मैग्नीशियम के रिबन, तो मैग्नीशियम के रिबन हम जब देखते हैं तो वो हमें कैसी नजर आती है? वो हमें ग्रेश नजर आती है। बेरिलियम मैंने भी नहीं देखा है, आपने देखा होगा तो वेरी गुड, बट ये जनरली हमें ग्रेश अपीरियंस दिखती है। यहाँ पर सिल्वरी व्हाइट बोला मैंने, तो सिल्वरी व्हाइट नहीं दिखती। जब हम मैग्नीशियम के रिबन को सैंड पेपर से रब करते हैं, घिसते हैं, उसके बाद हमें वो सिल्वरी व्हाइट थोड़ी नजर आती है, अदरवाइज वो हमें ग्रेश अपीरियंस दिखाते। क्यों ग्रेश दिखाते वो भी हम बात करेंगे, ठीक। देन इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एल्कली मेटल्स की कितना सॉफ्ट था, कितने ज्यादा कम था उनका बॉइलिंग पॉइंट, कि भाई जैसे मैंने गैलियम का एग्जांपल दिया था, सीजियम का सॉरी, कि हम अपने हाथ पे रखते हैं तो उसकी हीट से भी वो बॉयल हो जाते हैं, तो ये जो हमारे पास सॉरी मेल्ट हो जाते हैं, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो वापस से हायर देन एल्कली मेटल्स होता है। तो ग्रुप वन लिख देती हूँ मैं, ग्रुप वन के मेटल से कंपैरिजन में इनका हायर होता है। अब भाई रीजन क्या है इस हायर होने का? तो रीजन हमारे पास ऑब्वियस है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इनका साइज कैसा है? स्मॉलर, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा रहती है। क्लियर? देन अब डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी ऑन मूविंग डाउन, राइट। डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती चली जाती है। देन अब इलेक्ट्रो अब हमारे पास ग्रुप टू के हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या हैं? तो ग्रुप टू के एलिमेंट्स है हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, राइट। ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर हमने बोला अभी कि भाई डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, यानी बेरिलियम के कंपैरिजन में बेरियम जो होगा वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होगा। अब जैसा कि हमने ग्रुप वन में भी देखा था कि वो हमें फ्लेम फोटोमेट्री टेस्ट देते हैं। फ्लेम फोटोमेट्री टेस्ट का मतलब क्या होता है? कि जब हम इनको हीट करते हैं तो ऑन हीटिंग ये कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम देते हैं, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा हमारे पास सैंपल में ये वाला एलिमेंट या फिर ये वाला मतलब कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग,
क्लियर। तो हमारे पास फ्लेम फोटोमेट्री टेस्ट के अंदर होता क्या है, फ्लेम फोटोमेट्री टेस्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, तो हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाते हैं। अब हमारे पास सपोज कि ये मेरे पास ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, एंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट था, मैंने जैसे ही इसको हीट दी, एनर्जी दी, जंप करके कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब एक्साइटेड स्टेट से ये इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी तो वापस आएगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है अपने ग्राउंड स्टेट में, तो ये एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ विजिबल रीजन, और वो विजिबल रीजन हमें दिखाई देता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट उस सैंपल में प्रेजेंट है। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पर दिक्कत क्या है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम इन दोनों का ही साइज बहुत स्मॉल होता है ना, तो इनका साइज स्मॉलर है जिसकी वजह से इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना हमारे लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो इसीलिए हमारे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम से हीटिंग करने पर इनके इलेक्ट्रॉन इतने टाइटली बाउंड हैं कि भाई ये बेचारे कोई भी कलर इम्पार्ट नहीं कर पाते, तो इनके इलेक्ट्रॉन हार्ड टू एक्साइट है, इसीलिए नॉट इम्पार्ट एनी कलर, तो इसीलिए ये कोई भी कलर शो नहीं कर रहे क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं हो रहे। लेकिन कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम ये हमें फ्लेम फोटोमेट्री टेस्ट देते हैं, फ्लेम फोटोमेट्री टेस्ट जिसके अंदर हमारे पास कलर कौन कौन से हैं, तो कैल्शियम, कैल्शियम हमें ब्रिक रेड अपीयरेंस देता है, ब्रिक रेड। स्ट्रॉन्शियम हमें क्रिम्सन कलर की अपीयरेंस देता है, पीछे लिथियम हमें दे रहा था, एंड यहाँ पर बेरियम हमें एप्पल ग्रीन, ग्रीन एप्पल हम सबने खाया होगा, तो एप्पल ग्रीन, इन तीनों जिसमें से बेरियम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछते हैं बेरियम का, तो बेरियम हमें एप्पल ग्रीन, स्ट्रॉन्शियम हमें क्रिम्सन, एंड कैल्शियम हमें ब्रिक रेड की अपीयरेंस देता है। ओके, देन अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये तो थोड़ी बकवास से प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि जितने भी हमें पता है जितने भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये बाकी सभी मेटल्स की तरह ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एंड दूसरे कौन सा, थर्मल, तो थर्मल कंडक्टिविटी, दोनों ही टाइप की कंडक्टिविटीज शो करते हैं ये एलिमेंट्स, राइट। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब दूसरी है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था, केमिकल प्रॉपर्टीज हम हमेशा ही किससे डिनोट करते हैं, मतलब कैसे स्टडी करते हैं, तो इनके रिएक्शन से, कि किस तरह से कैसे रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो हमारे पास वापस से कंपैरिजन यहाँ पर आता है कि जो एल्कली मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी हायर होती है, हायर देन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कोई मुझे रीजन बता सकता है कमेंट सेक्शन में कि क्या रीजन होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, आई होप कि आपके कमेंट्स, अवेलेबल कमेंट्स आएंगे, बट मैं फिर भी बताती हूँ एक बार, आप अपनी तरफ से सोचना वैसे इसका रीजन क्या है, आप सबको पता होगा क्योंकि लास्ट क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो मेटल्स की कंडीशन में हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी, राइट, रिएक्टिविटी उतनी डिक्रीज होगी। तो हमें पता है एल्कली मेटल्स जो हैं, एल्कली मेटल्स का क्या है, लार्जर साइज है, जब लार्जर साइज है तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लेस होती है, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी क्या है, हायर है, राइट। बट एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कंडीशन में क्या है, इनका साइज एज कंपेयर टू एल्कली मेटल स्मॉल है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी,
लार्ज होगी एंड इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या है, लेस है हमारे पास, राइट. तो आई होप ये रीजन समझ में आया होगा. एंड अगेन डाउन द ग्रुप जाने पर, जैसे जैसे हम डाउन जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास साइज क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज. आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज. तो इसीलिए जो रिएक्टिविटी होगी वो भी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज. क्लियर. तो ये वाली चीज सबको क्लियर हो गई होगी. ओके, अब हम बात करते हैं रिएक्शन की. तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन विद एयर. और एयर के अंदर भी मैंने बताया था किन दो गैसेस की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. क्लियर. तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप वन के, सॉरी ग्रुप टू के, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद अपना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाते हैं एंड नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद अपना रिस्पेक्टिव नाइट्राइड बनाते हैं. नाइट्राइड ये क्या है हमारे पास, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड मेटल का, एंड ये है हमारे पास रिस्पेक्टिव नाइट्राइड. अब यहाँ पर भाई ये तो जनरली रिएक्शन होगा ना, अब इनऑर्गेनिक में धड़क धड़क रिएक्शन हो जाए, कुछ भी हमें अलग सा मिलना ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता. तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर वापस से अनोखी चीज क्या है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ऊपर फ्लेम फोटोमीटर में भी ये दोनों अलग से बैठे हुए थे, है ना, यहाँ पर भी ये दोनों अलग से बैठे हुए हैं. क्या अलग से बैठे हुए हैं कि भाई ये काइनेटिकली इनर्ट होते हैं, काइनेटिकली इनर्ट है हमारे पास टू ऑक्सीजन. एंड सिमिलरली जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तब वहां पर भी हमें काइनेटिकली इनर्ट देखने को मिलेंगे. तो ऐसा क्यों होता है भाई, हमारे पास दो टाइप के इनर्टनेस होते हैं. तो एक होता है थर्मोडायनेमिकली इनर्ट, एक होता है काइनेटिकली इनर्ट. थर्मोडायनेमिकली की बात नहीं हो रही है, पर काइनेटिकली हो रही है, यानी अगर मैं बेरिलियम एंड मैग्नीशियम को ऐसे रखूंगी तो तुरंत मेरे पास रिएक्शन नहीं होने वाली है. ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं होने वाला? तो वो हमारे पास रीजन क्या है कि भाई जो बेरिलियम, जैसे अभी मैंने मैग्नीशियम का एग्जाम्पल दिया कि मैग्नीशियम की जो रिबन होती है उसके ऊपर अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा स्कूल में, तो उसके ऊपर ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है, ऑक्साइड फिल्म होती है जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है. ये ऑक्साइड फिल्म करती है प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन. तो इस तरह से ना ये हमारे पास एलिमेंट को प्रिजर्व करके रखने में हेल्प करती है. तो इसीलिए हमारे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम बोथ हैव ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सर्फेस. इस ऑक्साइड फिल्म की वजह से ये रिएक्शन नहीं करते. तो अगर हम इनको सैंड पेपर से जैसे रब कर देते हैं उसके बाद, या फिर जैसे अगर हम इनको बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में बेक कर देते हैं, यानी पाउडर्ड फॉर्म अगर हम ले लें, तो पाउडर्ड फॉर्म ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम बहुत ही easily and brilliantly burn होते हैं हमारे पास, right? तो इस form के अंदर, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि beryllium और magnesium जो होते हैं हमारे पास वो kinetically inert होते हैं. Then हमारे पास बाकी किसी में तो नहीं, बट मैग्नीशियम के अंदर हमने फ्लेम भी देखी होगी. जब ये जलता है हमारे पास तो बहुत ही अच्छी वाइट फुलझड़ी जैसी फ्लेम आती है हमारे पास, तो व्हाइट फ्लेम आती है ना. तो ये मैग्नीशियम भी हमारे पास रब करने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से जलता है और अपना ऑक्साइड एंड नाइट्राइड फॉर्मेशन करता है. बट जो बाकी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, बाकी कौन कौन से एलिमेंट बच गए, कैल्शियम बच गया, स्ट्रॉन्शियम बच गया एंड बेरियम बच गया, तो ये आराम से एयर से अटैक हो जाते हैं. एयर अटैक्ड ऑन देम एंड उसके बाद ऑक्साइड एंड नाइट्राइड दोनों की फॉर्मेशन होती है. अब यहाँ पर ना थोड़ा सा याद करो, तो जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स थे, ग्रुप वन के अंदर ओनली लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड, है ना, बाकी कोई भी नाइट्राइड फॉर्मेशन नहीं करता था. क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज ही सबसे छोटा था, जो कि नाइट्राइड आयन के साथ अच्छी खासी लैटिस एंथैल्पी फॉर्म करके स्टेबलाइज हो जाता था. पोलराइजेशन भी लिथियम की ज्यादा है, जिसकी वजह से नाइट्राइड आयन को पोलराइज करके स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं. बट
बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो नाइट्राइड के साथ, सॉरी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड फॉर्मेशन नहीं कर पाते, है ना। तो हमारे पास ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो आई होप कि आप याद रखोगे। देन अब जो मैंने बताया इनका नेचर, मतलब ऑक्साइड के साथ हमने रिएक्शन किया तो हमें नेचर भी दिमाग में रखना है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, मोनोऑक्साइड बनाते हैं, है ना। यानी बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे हमारे पास मोनोऑक्साइड बनते हैं, जिसके अंदर बेरिलियम ऑक्साइड जो है, बेरिलियम ऑक्साइड इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है। ये हमसे एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, नीट वीट में भी पूछा जा सकता है, सॉलिड स्टेट में भी वैसे आ जाता है क्वेश्चन, तो वहां पर भी ये टॉपिक आ जाएगा थोड़ा सा। तो इसीलिए इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि बेरिलियम ऑक्साइड कैसे नेचर का है, कोवेलेंट इन नेचर होता है, कोवेलेंट इन नेचर, क्लियर। अब बेरिलियम ऑक्साइड जैसे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं डायगनल रिलेशनशिप, तो वैसे ही बेरिलियम का डायगनल रिलेशनशिप किसके साथ है, एल्युमिनियम के साथ है। और एल्युमिनियम के ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। तो वहीं से हमारे पास यहाँ पर भी आता है कि बेरिलियम ऑक्साइड भी कैसे नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का, एम्फोटेरिक इन नेचर, क्लियर। बट बाकी जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ऑल अदर ऑक्साइड्स, तो मेटल के ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होंगे, बेसिक इन नेचर। तो बाकी सारे बेसिस होते हैं अच्छे खासे, बट बेरिलियम डायगनल रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा है एल्युमिनियम के साथ, तो वहां से हम रिलेट कर सकते हैं कि भाई ये हमारे पास एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, क्लियर। देन अब दूसरी हमारे पास चीज आती है रिएक्शन विद वॉटर, सेकेंड रिएक्शन विद वॉटर। जैसा हमने ऑक्सीजन में पढ़ा बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम काइनेटिकली इनर्ट है टूवर्ड्स वॉटर, क्लियर। ये तुरंत ऐसे रिएक्शन नहीं करते, पाउडर फॉर्म में अगर डाल दो तो रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास बेरिलियम का भी, मैग्नीशियम का भी, एंड अगेन हमारे पास बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये बेरिलियम मैग्नीशियम को भी अगर पाउडर फॉर्म के अंदर ऑक्साइड फिल्म हम हटा दें तो ये रिएक्शन करेंगे अगर वाटर के साथ भी, तो रिएक्ट विद वाटर। जैसे हमने एल्कली मेटल्स में पढ़ा कि भाई वो विगरसली रिएक्ट करते हैं, तो उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी है कि इनका वाटर के साथ भी रिएक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग विगर, डाउन द ग्रुप जाने पर हमारे पास विगरसली रिएक्शन होता जाएगा। एंड ऐसा नहीं कि हमारे पास नॉर्मल वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ इंक्रीजिंग विगर विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ भी अच्छा खासा रिएक्शन करते हैं एंड अपना हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड लाइक बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, क्लियर। तो हमारे पास जितने भी ऑक्साइड्स हैं, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि भाई जितने भी ऑक्साइड्स हैं एक्सेप्ट बेरिलियम, तो वो हमारे पास सारे बेसिक हैं, बट बाकी सारे हमारे पास क्या है, सॉरी बेरिलियम का ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो ये जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये जो अपने हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करते हैं, सारे के सारे हाइड्रोक्साइड कैसे हैं, स्फेरिंगली सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स हैं, स्फेरिंगली सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स, क्लियर। तो रिएक्शन अगर मैं देखूं दिखाऊं तो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर या फिर मेटल प्लस वाटर, दोनों ही कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, ओके। देन अब जो हमारे पास ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड्स हैं, इनकी तीन प्रॉपर्टीज पर हम बात करते हैं। सबसे पहला सॉल्युबिलिटी, दूसरा थर्मल स्टेबिलिटी, एंड तीसरा है हमारे पास
बेसिक कैरेक्टर, ये तीनों ही प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती चली जाती है, राइट? अब इसका रीजन क्या है? तो सबसे मेन रीजन है हमारे पास इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये हमारे पास, तो यहाँ पर हम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो भाई एम्फोटेरिक इन नेचर है, तो उसको इंक्लूड करने की जरूरत है नहीं हमारे पास। हम बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी में आप इंक्लूड कर सकते हो, बट जनरली हम जो ट्रेंड देखते हैं वो हम कहाँ से कहाँ तक का देखते हैं, तो वो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड्स फॉर्मेशन करते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। बट अब अगेन डाउन द ग्रुप इनकी बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर मैं अल्कली मेटल के कंपेरिजन में बात करूँ तो अल्कली मेटल्स की बेसिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एल्कलाइन अर्थ मेटल से भी ज्यादा होती है हमारे पास, तो इसीलिए उनका बेसिक कैरेक्टर इनके बेसिक कैरेक्टर से ज्यादा होता है, राइट? नेक्स्ट, अब भाई बेरिलियम हमारे पास बेरिलियम जो है, बेरिलियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। ये हमें कैसे पता चले कि भाई ये एम्फोटेरिक इन नेचर है? अगर हमसे क्वेश्चन बोल देगा भाई बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, हाउ? तो एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब क्या होता था? जो सॉल्ट फॉर्मेशन करे, सॉल्ट फॉर्मेशन कर दे किसके साथ? विद एसिड्स भी एंड विद बेस भी, है ना? यानी वो ऑक्साइड जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करे एंड बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करे। लाइक अगर हमने इसके हाइड्रोक्साइड को, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, और उसको मैंने फर्दर किसी बेस के साथ ट्रीट करवाया, तो ये क्या बना देगा? बेरिलेट आयन। यहाँ पर जो भी बेस होगा, सपोज मैंने सोडियम का लिया होता तो सोडियम बेरिलेट बन जाता यहाँ पर, तो बेरिलेट आयन। तो यहां से हमें क्या पता चला कि भाई इसने किसी बेस के साथ भी रिएक्शन कर लिया। इसका मतलब ये कैसा नेचर शो कर रहा है? ये हमें एसिडिक नेचर शो कर रहा है, राइट? देन अगर हम इसको किसी एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं, लाइक HCl ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास फर्दर ये एसिड के साथ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा, अच्छा खासा अपना बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहाँ पर क्लोराइड कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी सॉल्ट फॉर्मेशन यहाँ पर भी होगा। यानी इसने एक एसिड के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्मेशन करा, इसीलिए यहाँ पर कैसा रिएक्शन शो हो रहा है? यहाँ पर हमें इसका बेसिक रिएक्शन शो हो रहा है, क्लियर? ओके, तो ये था हमारे पास रिएक्शन विद एयर एंड रिएक्शन विद वाटर। अब हम चलते हैं तीसरा, रिएक्शन विद हैलोजन्स, रिएक्शन विद हैलोजन्स। तो हैलोजन्स हम किसको बोलते हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को बोलते हैं हम हैलोजन, जिनको हम X2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे हैलोजन के साथ बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे, यानी हीटिंग करेंगे, उसके बाद ही फॉर्मेशन करते हैं अपने हैलाइट। अब हमारे पास मतलब बेरिलियम जो है उसको भी अगर मैं किसी हैलोजन के साथ ट्रीट करवाऊंगी तो वो हमारे पास अपना हैलाइड फॉर्मेशन करते हैं, है ना? BX2 MX2 तो हमारे पास अपना हैलोजन फॉर्मेशन करते हैं। बट हमारे पास कुछ अल्टरनेट वेज भी हैं उसको कुछ स्पेशल हैलाइड बनाने के, यानी अगर मुझे बेरिलियम फ्लोराइड बनाना हो तो हमारे पास अमोनियम बेरिलियम फ्लोरेट जो था, इसकी अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते तो यहाँ से भी हमारे पास बेरिलियम फ्लोराइड बनता है। देन अगर मैं बेरिलियम ऑक्साइड को
क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, हीटिंग कर दी है मैंने बहुत हाई टेम्परेचर पर, तो मेरे पास बेरिलियम क्लोराइड की फॉर्मेशन भी हो सकती है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिएक्शन फॉर्म होता है, तो मैं इसके लिए भी रिएक्शन करवा सकती हूँ जब ग्रुप 14 करेंगे तो वहां पर हम ये रिएक्शन देख लेंगे अगेन। बट यहाँ पर बेरिलियम के लिए जनरली हमारे पास कुछ स्पेशल क्लोराइड बनाने के लिए एक तरीका तो हमारे पास ये है कि मैं डायरेक्टली हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाऊँ एट एलिवेटेड टेम्परेचर तो भी मेरे पास फॉर्मेशन हो जाएंगे अपने हैलोजन की, बट ये हमारे पास कुछ ऑल्टरनेट वेज है इनके रिएक्शन करवाने की। देन अगेन अब इनके हैलाइड्स की प्रॉपर्टी, तो सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम के हैलाइड को छोड़कर एक्सेप्ट बेरिलियम हैलाइड्स सारे के सारे ऑल अदर मेटल हैलाइड्स कैसे नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं, आयनिक इन नेचर। ओनली बेरिलियम के हैलाइड हमारे पास कैसे नेचर का है, कोवलेंट इन नेचर, कोवलेंट इन नेचर। तो भाई अगर कोवलेंट इन नेचर है यानी कॉमन सेंस की बात है कि ये सोल्यूबल होंगे, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्योंकि उनकी पोलैरिटी बहुत कम होती है ना। अब भाई ऐसा क्यों, तो बेरिलियम के पास क्या है, स्मॉलर साइज, जिसकी वजह से उसके पास क्या है, हायर चार्ज डेंसिटी, और इसकी वजह से क्या होगा, इसके पास लार्जर पोलराइजेबिलिटी। तो यानी ये अगर आयनिक फॉर्म भी हुआ होगा तो अपनी हायर पोलराइजेबिलिटी की वजह से ये क्या करेगा, जो हमारा एनायन है, एनायन विल गेट पोलराइज्ड। जैसे ही हमारा एनायन पोलराइज्ड होगा तो मेरे पास कौन सा कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, राइट। तो इस रीजन की वजह से जो बेरिलियम है इनके हैलाइड्स कैसे नेचर के होते हैं, कोवलेंट इन नेचर होते हैं। दूसरी बात, हमारे पास ये मत बोलना कि बेरिलियम जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है किसके साथ, डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्युमिनियम। ग्रुप 13 में एल्युमिनियम में हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमारे पास आ ही जाएगा, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड होते हैं BClO2, ये कैसे नेचर के होते हैं, चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, चेन लाइक स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट। तो जब कभी भी हम, पहले मैं इसका चेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती हूँ, तो बेरिलियम क्लोराइड हमारे पास फॉर्म कैसा हुआ था, बेरिलियम क्लोराइड था मेरे पास कुछ इस तरह से BClO2, है ना। दूसरा भी होगा मेरे पास BClO2। तो बेरिलियम जो है इसके पास 2s और वाइटल में 1s2 2s2, हाँ, तो 2s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, राइट। यानी इसके 2p ऑर्बिटल तो एम्प्टी है ना यार, और 2p ऑर्बिटल और क्लोरीन जो है इसके पास भी क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से बेरिलियम जो है हमारे पास क्या करता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, राइट। तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, चेन लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाते हैं। फिर अगेन यहाँ पर भी बेरिलियम Cl2 था बेचारा, है ना, तो इस तरह से इसको ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है हमारे पास। ओके, देन अब जब कभी भी सॉलिड स्टेट में हमने बात की, जब भी हम इसको हीटिंग करेंगे, हीटिंग करने पर क्या फॉर्म होंगे हमारे पास, वेपर्स फॉर्म होंगे। तो वेपर फेज के अंदर BeCl2 के अंदर वापस से डाइमर हमें मिलते हैं, डाइमर किसकी वजह से, क्लोरो ब्रिज्ड, तो क्लोरीन के ब्रिज की वजह से हमें डाइमर फॉर्म। तो ये तो पॉलीमराइज, यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये चेन हमारे पास चलती जाएगी दिमाग की इस तरह से, तो ये तो हमारे पास पॉलीमराइज कंडीशन है। यहां से मैं सिर्फ दो बेरिलियम को ले लूं
तो ये इस तरह से हमारे पास डाइमर के फॉर्म में वेपर स्टेट में डिसोशिएट हो जाते हैं. क्लियर. एंड अगर मैं फर्दर इसको हीटिंग करूंगी और फर्दर हीटिंग बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर, तब जाके मुझे ये क्या मिलते हैं, मोनोमर मिलते हैं. राइट. तो हमारे पास ध्यान से देखो तो बेरिलियम क्लोराइड तीन फॉर्म में मुझे मिल रहे हैं. पहला ये पॉलीमराइज्ड चेन फॉर्म में सॉलिड स्टेट, देन हमने इसकी हीटिंग की तो वेपर फेज में मुझे ये डाइमर फॉर्म में मिले, एंड फिर फर्दर अगर मैं हीटिंग कर दूंगी तो मुझे ये मोनोमर के फॉर्म में मिलते हैं. ओके राइट. देन पीछे हम जब लिथियम की बात कर रहे थे तब हमने देखा था, तो यहाँ पर भी वापस से हमारे पास आ रहे हैं कि ये जो हेलाइड्स फॉर्म करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो कैसे नेचर के होते हैं, डेलिक्विसेंट नेचर के होते हैं. अब डेलिक्विसेंट नेचर का मतलब क्या होता है, कि ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर सकते हैं, एंड अगर ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर सकते हैं यानी इनके हेलाइड के पास क्रिस्टलाइन वॉटर मिलेंगे हमें, क्रिस्टलाइन वाटर. क्लियर. तो हमारे पास जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाएंगे, ऑन मूविंग डाउन, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, जो हमारे पास क्रिस्टलाइन वाटर है, क्रिस्टलाइन वाटर, या फिर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं कि जो हाइड्रेशन की कैपेसिटी है, हाइड्रेट फॉर्मेशन है, वो डिक्रीज होता चला जाएगा. क्यों? तो भाई हाइड्रेशन या फिर क्रिस्टलाइन वाटर के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी क्या होती थी, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए. तो भाई ऑन मूविंग डाउन, ऑन मूविंग डाउन पोलराइजेबिलिटी क्या हो रही है, इट डिक्रीजेस. तो इसीलिए हाइड्रेटेड हैलाइड्स की फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड हैलाइड्स डिक्रीज हो जाती है. क्लियर. तो यानी अगर हम हाइड्रेटेड वाटर की बात करें तो जैसे मैग्नीशियम की क्लोराइड्स है, मैग्नीशियम क्लोराइड्स के पास कितने क्रिस्टलाइन वाटर है, 8 क्रिस्टलाइन वाटर है. देन कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो उसके पास कितने हैं, 6 क्रिस्टलाइन वाटर. देन स्ट्रॉन्शियम के पास भी अगेन 6, बट बेरियम के पास कितने हैं, ओनली 2 क्रिस्टलाइन वाटर प्रेजेंट है हमारे पास. राइट. तो इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पर हमारे पास धीरे 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 क्रिस्टलाइन वाटर जो है, यानी हाइड्रेटेड हैलाइड्स की फॉर्मेशन की टेंडेंसी डिक्रीज होती चाहिए. देन इसी में अगर हम बात करें कि जो हाइड्रेटेड हैलाइड्स हैं, हाइड्रेटेड हैलाइड्स, इन्हीं हाइड्रेटेड हैलाइड्स की जो डिहाइड्रेशन है, तो अगर मैं ब्रोमाइड या आयोडाइड या फिर क्लोराइड्स में से किसी की बात करूं, और ये एक मैं बेरिलियम मैग्नीशियम की नहीं बल्कि कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम की बात करें, तो इनको जब हम हीटिंग करेंगे, इनके हाइड्रेटेड हैलाइड को हमने हीटिंग की तो हमें क्या मिल जाएंगे, डिहाइड्रेटेड हैलाइड्स, डिहाइड्रेटेड हैलाइड्स. लाइक अगर मैंने करा कैल्शियम क्लोराइड डॉट 6H2O था, हमने इसको तुरंत हीटिंग की, जो क्रिस्टलाइन वाटर है वो वेपराइज होकर उड़ जाएगा एंड हमें डिहाइड्रेटेड फॉर्म में अपना हैलाइड मिल जाएगा. लेकिन अगर मैंने बेरिलियम एंड मैग्नीशियम या जो एक्सेप्शनल चीजें हैं उनको दिमाग में रखना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है. हैलाइड का टॉपिक तो मोस्टली इम्पॉर्टेंट होता है हमेशा ही, है ना. तो अगर हम बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के हाइड्रेटेड हैलाइड्स की बात करें तो इनको जब हम हीटिंग करेंगे तो इन बेचारों की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, टूट जाते हैं हमारे पास, है ना. यानी मुझे इनके अंदर वो नहीं मिलने वाले, डिहाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर हैलाइड्स नहीं मिलने वाले, तो ये इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है. ये इंपॉर्टेंट स्टेप है. Then, अब अगर हम नॉर्मली सॉल्युबिलिटी में बात करें तो जो फ्लोराइड्स होते हैं, फ्लोराइड्स लेस सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू बाकी के जो हैलाइड्स हैं. क्यों? तो फ्लोराइड्स के अंदर हमारे पास क्या है, स्मॉलर इन साइज है, जिसकी वजह से मोर पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी एंड इसीलिए हमारे पास बहुत ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आएगा, तो इसलिए ये हमारे पास लेस सॉल्युबल होते हैं. एंड दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि फ्लोराइड्स का साइज छोटा होने की वजह से इसकी लैटिस एंथैल्पी भी ज्यादा होती है. तो हमारे पास
हाइड्रेशन एंथैल्पी बेचारा कुछ नहीं कर पाता, लैटिस एंथैल्पी मैक्सिमम होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। जनरली हम क्लोराइड के साथ इसे कंपैरिजन करते हैं, किसी और के साथ इतना कंपेयर नहीं करते। ओके, तो ये था हमारे पास हैलाइड्स के बारे में। देन चौथी चीज हमारे पास आती है रिएक्शन विद, चौथी नहीं आई थिंक फिफ्थ है ना ये, थर्ड फोर्थ पता नहीं है, मैं नंबर भूल गई जो भी था। चलो रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट बेरिलियम, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल ग्रुप टू एलिमेंट्स, ऑल ग्रुप टू एलिमेंट्स, क्लियर। तो यहाँ पर सभी के सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे ऑन हीटिंग और अपना अच्छा खासा हाइड्राइड फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अगर हमें बेरिलियम हाइड्राइड बनाना तो क्या करेंगे भाई, तो बेरिलियम हाइड्राइड बनाने के लिए हमारे पास स्पेशल रिएक्शन है कि हम बेरिलियम क्लोराइड को, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बट एक्सपेंसिव भी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें अपना बेरिलियम हाइड्राइड प्लस लिथियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल जाता है। रिएक्शन को बैलेंस करना हो बेरिलियम बेरिलियम, अच्छा टू टाइम्स में यहाँ पर हमारे पास और टू टाइम्स में यहाँ पर हमारे पास फाइनली ये रिएक्शन तैयार। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप है किस चीज के लिए, बेरिलियम के अगर हमें हाइड्राइड बनाने हो तो उसके लिए। ओके, देन आता है रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद एसिड्स जनरली मैं यहाँ पर मिनरल एसिड्स की बात कर रही हूँ, फिर ऑक्सो एसिड्स हम बाद में बात करेंगे ताकि हम सॉल्ट्स बना सके उनके। तो जब भी कभी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल कभी भी क्या पसंद नहीं होता, हाइड्रोजन पसंद नहीं होता, तो हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया एंड अपना सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये हमारे पास वैसे भी ये हम बचपन में भी यूज करते थे कि मेटल के अंदर हमने मेटल किसी एसिड के अंदर हमने डाला तो क्या होता था, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती थी, पॉप साउंड के साथ जल जाती थी, तो हाइड्रोजन की टेस्टिंग भी हो जाती थी यहाँ से। तो ये भी जनरली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वही वाला ट्रेंड फॉलो करते हैं, यहाँ पर मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। ओके, देन आता है हमारे पास रिएक्शन विद या फिर सोल्यूशन विद, सोल्यूशन बोलना चाहिए मुझे ज्यादा अच्छा, तो सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, जैसा हमारे पास एल्कली मेटल्स में था बिल्कुल वैसा ही यहां पर आता है कि मेटल्स जब भी कभी अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, मेटल NH3 X टाइम जितना भी हमारे पास होगा, तो यहाँ पर आ गया X प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन NH3 होल Y, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस Y। ये हमारे पास रिएक्शन है, तो यानी एल्कली मेटल्स भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरह ही रिएक्शन कर रहे थे, यानी मैं बोल सकती हूँ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी एल्कली मेटल की तरह ही रिएक्शन कर रहे हैं, वो लिक्विड अमोनिया के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, लिक्विड अमोनिया, एंड डिजोल्व होने के बाद वहां पर भी हमारे पास कैसा कॉम्प्लेक्स मिल रहा था, डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स मिल रहा था, तो यहाँ पर भी हमारे पास डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, क्लियर। अब वहां पर भी हमारे पास था कि डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से बनता है, तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये अमोनिया के साथ एसोसिएटेड है इसीलिए हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास यहाँ पर डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स मिलता है। एंड वहां पर भी हम क्या करते कि जनरली जब एल्कली मेटल्स ने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया था तो फर्दर उसको हम ट्रीट करवा के अमाइड फॉर्मेशन करवाते हैं ना, तो इन इन सॉल्यूशन से भी हम अमोनिएट्स रिकवर कर सकते हैं। अगर हमें अमोनिएट की रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ से अमोनिएट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अमोनिएट्स कहते हैं जो भी मेटल हमें चाहिए जिसमें मेटल का उसका अमोनिएटेड सॉल्यूशन, तो इसकी एक्सट्रैक्शन के लिए हमारे पास ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन अब हमारे पास आता है रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर। तो हमारे पास पीछे भी मैंने बताया था, दोबारा बता रही हूं, मेटल्स के लिए जब भी कभी हम रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं
तो इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू तीन चीजों से डिसाइड होती है। सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, सब्लिमेशन एंथैल्पी, या फिर मैं बोलूं एटोमाइजेशन एंथैल्पी, एटोमाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा है हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंड तीसरी एंथैल्पी है हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट। तो एल्कली मेटल्स क्या थे हमारे पास, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिमिलरली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो किसकी वजह से, तो अगर हम इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखेंगे तो हमें वहां पर दिख जाएगा कि इनकी भी नेगेटिव, हाईली नेगेटिव वैल्यू होती है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल्स की। तो हमारे पास बट इनका ना एल्कली मेटल के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि ध्यान से देखो तो आयनाइजेशन इंथैल्पी इनकी क्या है, हायर है थोड़ी सी, है ना। तो इस हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स, इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में कम होती है, तो इसलिए इनका रिड्यूसिंग नेचर एल्कली मेटल से कम होता है। अब अगेन बेरिलियम, तो बेरिलियम का हमारे पास क्या है, इसकी लेस नेगेटिव वैल्यू होती है हमारे पास बाकी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी हमारे पास जो बेरिलियम है, मतलब लेस नेगेटिव वैल्यू होते हुए भी एल्कलाइन अर्थ मेटल से इनका जो रिड्यूसिंग नेचर होता है वो किसकी वजह से हमारे पास हायर होता है, अगेन लिथियम की तरह ही हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी के दो फैक्टर्स होते हैं डिटरमाइनिंग फैक्टर, कि स्मॉलर साइज होना चाहिए मेरे पास, स्मॉल साइज, एंड दूसरा हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज। तो बेरिलियम कौन सा में आता है, Be2+, इसका साइज भी स्मॉलर है और चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा है ना। और जो बाकी के हमारे पास मेटल्स हैं उनके अंदर हमारे पास क्या कंडीशन होती है, कि जो एटमाइजेशन एंथैल्पी है वो उनकी हमारे पास बहुत ज्यादा होती है, बट बेरिलियम के कंपैरिजन में वो थोड़ी सी हमारे पास लेस होती है। इन रीजंस की वजह से बेरिलियम जो है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, राइट। तो अब हमारे पास थोड़ा सा आई थिंक बस ऑक्सो एसिड्स बच गया, तो ऑक्सो एसिड्स हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।